जैसा कि आप सबको पता है, गांव शिमला में जो संजय हत्याकांड जो मामला था, आज से 4 से 5 दिन पहले संजय नाम के एक लड़के की है, जो 4 से 5 बंदे हैं जो गाड़ी में आते हैं रात के 12 बजे और गाड़ी में आके है जो वो उतरते हैं, और उसके बाद सुबह जो संजय की जो दादी है वो जब गाड़ी में जाती है, जिसको हम आम भाषा में नोरा भी कह देते हैं या बैठक भी कह देते हैं, तो जहाँ पर है जो पशुओं को बांधा जाता है, मतलब देसी भाषा में बोले तो गड्डी या नोरा, वहाँ पर है उसकी दादी जाती है और फिर चिल्लाती हुई बाहर निकलती है, और आसपास के गांव के जो लोग आते हैं तो संजय को वहाँ पर फांसी पे लटका हुआ मिलता है, लेकिन गांव वाले या परिवार वाले कहते हैं ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। इस मामले में जो कल आज से दो दिन पहले है जो धरना दिया गया था, और 2 बजे का अल्टीमेटम था कि रोड जाम कर दिया जाएगा। शिमला गांव जो कलायत का कलायत तहसील और कैथल डिस्ट्रिक्ट का जो गांव है वहां की मैं बात कर रहा हूं, और आज सोमवार तक का टाइम लिया था डीएसपी साहब ने, और डीएसपी साहब ने जो कमिटमेंट की थी कि मैं 24 घंटे में ही है जो पाँच रोपीज में बताया गया, जिसमें 2 लड़कियों का जिक्र था। लेकिन फिलहाल की अपडेट ये है कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि गाँव के लोग धरना स्थल पर जो के तो बने हुए और पहुँचे हैं, और इन्होंने कहा है कि 5 में से 3 जो व्यक्ति जो आरोपी है वो पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस है जो यही कह रही है कि इनमें इतना दोष नहीं है, मतलब खानापूर्ति की गई है। गांव वालों का ये कहना है कि इस मामले में जो खानापूर्ति की गई है, गांव वाले चाहते हैं कि 5 के 5 आरोपी को पकड़ा जाए, लेकिन हाल फिलहाल की सिचुएशन ये है कि अभी तक जो 5 के 5 आरोपी पकड़े नहीं गए, जिसमें से 2 लड़कियाँ हैं और 3 लड़के बताए गए हैं। मैं फिर बता दूं आपको, शिमला गांव में संजय नाम के जो लड़का है जिसकी उम्र थी 24 से 25 साल, उसकी है जो हत्या कर दी गई थी, ऐसा है जो पुलिस ने भी मानना है कि ये हत्या है, लेकिन इसकी है जो विसरा रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। विसरा रिपोर्ट में है जो पता चलता है कि जो मृत्यु है वो हुई कैसे है, क्योंकि गाँव वालों ने परिवार वालों ने बोला है, और जो मौजूदा जो सिचुएशन थी उसमें यही था कि पहले जो मतलब उसको सपरा भी पिलाया गया है, फिर उसको करंट भी लगाया गया है, और जब जिस मृत अवस्था में जो संजय मिला था वो फांसी पे लटका हुआ था। तो विसरा रिपोर्ट बताएगी कि हत्या फांसी लटकाने से हुई है या सपरा पीने से।